कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 38 में प्रश्नावली 7.3। तो ये सब तो उदाहरण में बता दिए हैं, बन जाएगा। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष हैं, इसमें दो हिसाब है, पहला मान लेते हैं कोई दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है ए बी सी, चित्र बना लो, पहला बिंदु ए है तो पहला नियामक 2-3, ए का नियामक हो गया 2-3, दूसरा बिंदु बी तो दूसरा का हो गया -1-0, तीसरा का 2-4, इसलिए एरिया ए बी सी यही होता है। इसमें अलग से सबका मान लिख लो, यहाँ पहला बिंदु किसको माने हैं, ए को, तो ए के लिए होगा x1 y1, होगा ना x1 y1, बी के लिए होगा x2 y2, दूसरे बिंदु के लिए, तीसरा बिंदु सी के लिए x3 y3, समझते है ना। तो पहला बिंदु ए x1 y1, x1 2-3, 2-3, दूसरा बिंदु बी x2 y2 यानी -1-0, तीसरा बिंदु सी 2-4, समझते जाओ तब उतारना, फिर सबका मान भर देंगे। इसलिए एरिया ए बी सी x1 कितना, तो 2, कोस्ट मध्यम कोस्ट से ही शुरू करना, माइनस आ जाता है बीच में तो फिर एक कोस्ट देना पड़ता है, तो मिटाना नहीं पड़ेगा, ये मार्कर से हम मिटा देते हैं, तू लोग लीड कलम से कैसे मिटाएगी, बात को समझे। बड़ी कोस्ट के बाद मध्यम कोस्ट का प्रयोग करना है, क्योंकि माइनस आएगा तो फिर छोटी कोस्ट की आवश्यकता होगी, तो y2 शून्य, माइनस y3 देखो आ गया ना, माइनस 4, 2-3 आता है तो कोस्ट में घेरते हैं, क्यों मध्यम कोस्ट से शुरू करेंगे, कारण समझे। फिर प्लस x2 है -1, तो -1 है, 2-3 आया तो छोटी कोस्ट में -1 को घेर दो, x2 कोस्ट में आ गया, फिर ये यहाँ एक का मान माइनस में आ सकता है, इसीलिए मध्यम कोस्ट दो, y3 -4 माइनस y1 3 प्लस x3 2 मध्यम कोस्ट y1 3 माइनस y2 शून्य, एक बटा दो, दो शून्य का कोई वैल्यू नहीं है, नहीं ना है, माइनस माइनस प्लस होगा ना 4, ये कैसे हल हुआ समझे ना, प्लस -1 -4 -3 -7 फिर प्लस 2, 3 में से 0 घटा 3,
प्लस दो और प्लस चार को गुना करेंगे तो प्लस आठ, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, एक को सात से गुना करेंगे सात, प्लस दो और प्लस तीन को गुना करेंगे प्लस छ, ये हो गया एक बटा दो, आठ प्लस 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 सेवन प्लस सिक्स, एक बटा दो, आठ सात पंद्रह छ इक्कीस, इक्कीस में दो से भाग देंगे साढ़े दस, 10.5 वर्ग इकाई होगा ना। ये ध्यान में रखना, पहला दूसरा तीसरा बिंदु के लिए, पहला के लिए x1 y1, दूसरा के लिए x2 y2, तीसरा के लिए x3 y3, ऐसे सेटिंग करके तब बनाएंगे हिसाब। दूसरा इसी तरह का है क्या बनावे है ना, इसको उतार लो और क्वेश्चन नंबर दो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। जब तीन बिंदु संरेखी होते हैं तो क्या त्रिभुज का निर्माण होता है? आंसर है नहीं। तो हम कह सकते हैं तीन बिंदु अगर संरेखी हैं तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, क्योंकि त्रिभुज का निर्माण ही नहीं होगा है ना। इतनी बात तो जान रहा है, अब तीन बिंदु दिया हुआ है तो मान लेंगे तीन संरेखी बिंदु है जिससे त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए एरिया ए बी सी बराबर शून्य, क्योंकि तीन संरेखी बिंदु किसी सरल रेखा पर ए बी सी है, तो त्रिभुज बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। तो तीन बिंदु ए बी सी है तो त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होगा जिसका क्षेत्रफल शून्य, तो लिख सकते हैं ना तीन संरेखित बिंदुओं से एक त्रिभुज ए बी सी का निर्माण होता है, इसीलिए एरिया, क्योंकि संरेखित बिंदु है तो एरिया ए बी सी बराबर शून्य लिखा जा सकता है। और इसका क्षेत्रफल कितना, तो वैल्यू होगा एक बटा दो ये हो गया त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर शून्य, यानी बराबर शून्य। पहला बिंदु ए है
ए के लिए एक्स वन, एक्स वन वाई वन, दूसरा बिंदु बी इसके लिए होगा एक्स टू वाई टू, तीसरा बिंदु सी तो इसके लिए होगा एक्स थ्री वाई थ्री। अब प्रश्न में देखो, पहले बिंदु का नियामक सात माइनस दो, पहला बिंदु ए इसका हो गया सात माइनस दो, दूसरे का पांच ए, दूसरा बिंदु बी पांच ए, तीसरे का तीन ये के, तो तीनों बिंदु का नियामक दिया हुआ है और लेकिन तीनों बिंदु से गुजरने वाले तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य, फॉर्मूला से इतना बराबर शून्य। अब सबका मान बिठा देंगे, इतना तू लोग लिखो तो इतना मान बैठाएंगे, एक्स वन सात, वाई टू एक माइनस वाई थ्री के प्लस एक्स टू पांच वाई थ्री के माइनस वाई वन माइनस टू माइनस टू, यहां मध्यम पोस्ट। प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री हो गया तीन, y1 माइनस टू माइनस वाई टू माइनस वाई टू ए बराबर जीरो, सिर्फ मान भर देना है ना। इसमें कहता है के का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ के आ रहा है ना जी, ये तो एक इक्वेशन हो गया। पूरे बड़ी कोष्ट के आइटम को, बड़ी कोष्ट में किसी भी कोष्ट के भीतर जितना कुछ भी रहे संपूर्ण कोष्ट को एक पद माना जाता है। अगर इस बड़ी कोष्ट को हम m मान ले तो लिख सकते हैं एक बटा दो, कि पूरा को m मान लो तो m बराबर जीरो। अब तिरछा गुना करेंगे तो m बराबर जीरो गुने दो बराबर जीरो, इसीलिए m बराबर जीरो होगा। हम किसको माने हैं, इस बड़ी कोष्ट के भीतर वाला तमाम को, यानी बड़ी कोष्ट इस कितना को, बड़ी कोष्ट को एम मान लिए तो ये दो तीर्था गुणा चला गया तो एम बराबर जीरो। एम माने हैं इसको तो अब इसका मान बैठा दो, यानी सेवन वन माइनस के प्लस पांच के माइनस माइनस प्लस प्लस तीन ये हो गया माइनस दो माइनस एक माइनस तीन होगा, इतना बराबर जीरो। बड़ी कोष्ट हटा भी सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्या। अब इसको सॉल्व करेंगे, सात को एक से गुना करेंगे, सात प्लस माइनस माइनस, सेवन को के से गुना करेंगे, सेवन के प्लस, पांच को के से गुना करेंगे, पांच के प्लस प्लस प्लस, पांच दूनी दस प्लस माइनस माइनस, तीन को तीन से गुना किए, नौ बराबर जीरो होगा। सब प्लस वाला को जोड़ो, प्लस सेवन प्लस दस कितना हो गया सत्रह, में से नौ घटा दो आठ,
माइनस सात के या प्लस पांच के यानी माइनस टू के बराबर शून्य लगाना और आठ बराबर शून्य माइनस टू के इधर जाएगा तो प्लस टू के ये हो गया और आठ बराबर टू के बराबर के पहले वाला को पहले लिख दो इसको आगे का तो ऐसा तो नियम है टू के बराबर एट इसलिए के बराबर एट बाय टू बराबर फोर इसलिए के बराबर फोर आंसर यानी जी संडे किया तो एरिया को शून्य कर देना है क्षेत्रफल को उतारो दूसरा प्रॉब्लम भी ऐसे ही है के का मान निकालना है और तीनों बिंदु संरेखी है तो देखो तीन संरेखी बिंदु दिया हुआ है तो कुछ न कुछ तो नाम रखना होगा बिंदु का तो माना कि तीन संरेखी बिंदुओं P, Q एवं R से एक त्रिभुज बनता है तो बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा यानी एरिया P, Q, R बराबर शून्य होगा तो पहला बिंदु P माने हैं तो पहला बिंदु का नियामक आठ एक हुआ लिखेंगे पहले तो क्षेत्रफल लिखेंगे किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बटा दू एक्स वन फॉर्मूला याद आ गई जी तो इस पहले तो दो तीन फिर एक्स टू तो इसके बाद इकतीस यानी वाई तीन माइनस वाई वन जोड़ एक्स थ्री फिर बारह यानी वाई वन माइनस वाई टू अब सबका मान अलग से लिखो यहाँ एक्स वन एक्स टू वाई टू एवं एक्स थ्री वाई थ्री तो मान कैसे लिखेंगे तो पहला बिंदु की माने हैं तो की के लिए एक्स वन वाई वन और पहले बिंदु का नियामक आठ एक है यानी बिंदु की का एक्स नियामक आठ वाई नियामक एक नियामक लिखने में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए दूसरा बिंदु क्यू है दूसरा नियामक के और माइनस चार है एक्स नियामक के वाई नियामक माइनस चार तीसरा बिंदु दो माइनस पांच चरणबद्ध अपना याद रखना कैसे पहला दूसरा तीसरा बिंदु का पहले बिंदु का नियामक दूसरे का तीसरे का इसके बाद मान भर देना है तो एरिया तो लिखे बराबर जीरो यानी बराबर जीरो अब इसमें मान बैठाएंगे तो एक बटा दो एक्स वन एट मध्यम कोष वाई टू माइनस चार फिर माइनस वाई थ्री माइनस पांच प्लस एक्स टू के मध्यम कोष वाई थ्री माइनस वाई वन एक प्लस एक्स थ्री दो y1 वन एक माइनस वाई टू माइनस चार
माइनस चार बराबर शून्य, तिरछा गुना दो का शून्य से होगा। इसको तू लोग समझी कैसे, पूरे कोष्ट को एक कोई आइटम मान लो, एस मान लो, टी मान लो, एम मान लो, एन मान लो, तो पूरा कोष्ट हो गया मान लो एन मानते हैं तो एक बटा दो गुने एन बराबर जीरो, इसलिए एन बराबर दो गुने जीरो बराबर जीरो, यानी ये बड़ी कोष्ट बराबर जीरो दो समाप्त हो जाएगा, होगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं आठ माइनस चार, माइनस माइनस कोष्ट तोड़ना ये सब आप भुलाया नहीं ना कोई, माइनस माइनस प्लस पांच प्लस के माइनस पांच, माइनस पांच या माइनस एक, माइनस छ होगा, माइनस छ प्लस दो एक, माइनस माइनस प्लस चार होगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो आठ माइनस चार और प्लस पांच एक हो गया, गुने एक जोर प्लस माइनस माइनस, एक और छह से गुना करेंगे माइनस छ के, फिर प्लस चार एक पांच छ के, ये दो चार एक पांच उतारो, अंत में आया है आठ को एक को गुना करेंगे आठ माइनस सिक्स के, और दो को पांच से गुना करेंगे दस बराबर शून्य, सिक्स के को उधर ले जाओ आठ दो दस बराबर सिक्स के होगा, और अठारह बराबर सिक्स के, और सिक्स के बराबर अठारह, इसीलिए के बराबर अठारह बटा छ बराबर तीन, इसलिए के बराबर तीन आंसर। तो दोनों हिसाब एक ही पैटर्न का है, इस टाइप का बन जाएगा। जब संदेखी बिंदु वाली बात रहे तो क्षेत्रफल शून्य होगा, और के का वैल्यू निकालना रहे या जो भी वैरिएबल रहे। तो इस पार्ट में इतना ही रहने दो, अगले पार्ट में रेस्ट।